जैसा कि दोस्तों आप सभी जानते हैं कि बोरिंग टेक्नीशियन का एग्जाम हो चुका है, उसकी आंसर की का एक छोटा सा वीडियो मैंने बनाकर यूट्यूब पे अपलोड कर दिया है। आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां पर जाकर देख सकते हैं। पूरे के पेपर का सॉल्यूशन मैं आपको कल सुबह प्रोवाइड जरूर करा दूंगा, ठीक है दोस्तों। तो बात कर लेते हैं आज हम कट ऑफ के बारे में। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि 19 से ज़्यादा पेपर हार्ड है, टफ है, क्योंकि स्टैंडर्ड लेवल का एग्जाम है, ठीक है। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, थोड़ी सी वैकेंसी की बात करते हैं, 496 पोस्ट आपके लिए रखी गई थी और मेरे ख्याल से लगभग 70,000 इसमें फॉर्म भरे गए थे, 60 से 70 हज़ार के बीच। लेकिन सभी ने एग्जाम नहीं, क्योंकि बहुत बच्चों ने एग्जाम छोड़ा है। लेकिन अब मेन ये करता है कि एग्जाम कितना छोड़ा उससे फर्क नहीं पड़ता, मेन करता है कि पेपर के हिसाब से और वैकेंसी के हिसाब से आपका कट ऑफ कितना जा सकता है। जी हाँ दोस्तों, मेरे साथ बने रही वीडियो में लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर बता देना चाहता हूँ कि दोस्तों एग्जाम तो लगभग आधे बच्चों ने एग्जाम छोड़ा है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं कट ऑफ के बारे में। तो आपका जनरल एससी एसटी का कट ऑफ कितना जगह अप्रोक्स कितना जा सकता है दोस्तों, तो यहाँ पर दोस्तों आपकी चार कैटेगरी बनती है। चार कैटेगरी के हिसाब से मैं आपको दोस्तों यहाँ पर बताऊँ तो आपका एक तो जनरल, दूसरा आपका यहाँ पर ओबीसी, तीसरा आपका यहाँ पर एससी और फिर आपका एसटी, ठीक है सर। दोस्तों यहाँ पर एसटी, ये आपके तीन कट ऑफ, चार कट ऑफ यहाँ पर बनने वाले हैं। तो जनरल के लिए मैं आपसे उम्मीद करता हूँ कि अप्रोक्स जो आपका कट ऑफ है वो आपका लगभग 48 तक रह सकता है, जनरल का 48 तक रह सकता है 45 के बीच में, ठीक है दोस्तों, 45 से 48 के बीच में रह सकता है। ओबीसी का जो आपका कट ऑफ है वो यहाँ पर आपका 40 से 45 के बीच हो सकता है। और दोस्तों बात करते हैं एससी के बारे में, तो एससी का मैं आपको यहाँ पर 35 से 40 के बीच में आपका जो है कट ऑफ रह सकता है। हालांकि जो आप जानते हैं कि 0.4 का निगेटिव मार्किंग, तो इसमें 0.4 आपका ऊपर नीचे हो सकता है, जैसे कि 45.4 या 45.8 या फिर 48.8 या 48.4 या 48.2, ठीक है, उसके हिसाब से आपका हो सकता है। और बात करते हैं एससी एसटी के बारे में, तो 30 से 30 के बीच में यहाँ पर उम्मीद की जा रही है कि शायद एसटी का यहाँ पर ये जा सकता है। अप्रोक्स थोड़ा सा आपको लेवल के लिए हिसाब से लग रहा हो, क्योंकि मैं जानता हूँ वैकेंसीज में कम थी तो शायद हो भी सकता है, तो लेकिन मैं तो उम्मीद यही करूँगी दोस्तों कि आप सेफ जोन में हो। अगर मुझे लगता है कि आपने वहाँ पर अटैम्प्ट किए हैं 70 से 75 क्वेश्चन के बीच भी आपने अटैम्प्ट किया है, जिसमें आपकी एक्यूरेसी अगर 80% भी है, तो उम्मीद करता हूँ कि आप बिल्कुल सेफ जोन में हैं और आपका नंबर इसमें जुड़ेगा। कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना कि आपने कितने कितने क्वेश्चन अपने एग्जाम में किए हैं और कितने आपको लगता है कि उसमें सही है। जब मैं पूरे पेपर का वीडियो अपलोड करूँगा तो आप उसमें आराम से अपना आंसर की मिला सकते हैं, स्ट्रेस लेने की कोई जरूरत नहीं है। उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों, वेलकम।